नए भारत में आज श्रम और श्रमजीवियों के सम्मान की एक संस्कृति बन रही है, एक परंपरा पुनर्जीवित हो रही है। और साथियों, जब नीतियों में संवेदनशीलता आती है तो निर्णय भी उतने ही संवेदनशील होते चले जाते हैं। इसलिए देश अब अपनी श्रम शक्ति पर गर्व कर रहा है। श्रमेव जयते आज देश का मंत्र बन रहा है। इसलिए जब बनारस में, काशी में विश्वनाथ धाम के लोकार्पण का अलौकिक अवसर होता है तो श्रमजीवियों के सम्मान में भी पुष्प वर्षा होती है। जब प्रयागराज कुंभ का पवित्र पर्व होता है तो श्रमिक स्वच्छता कर्मियों का आभार व्यक्त किया जाता है। अभी कुछ दिन पहले ही देश को स्वदेशी विमान वाहक युद्धपोत INS विक्रांत मिला है। मुझे तब भी INS विक्रांत के निर्माण में दिन रात काम करने वाले श्रमिक भाई बहनों और उनके परिवारों से मिलने का अवसर मिला था। मैंने उनसे मिलकर उनका आभार व्यक्त किया। श्रम के सम्मान की परंपरा देश के संस्कारों का अमिट हिस्सा बन रही है। आपको जानकर अच्छा लगेगा कि नई संसद के निर्माण के बाद उसमें काम करने वाले श्रमिकों को भी एक विशेष गैलरी में स्थान दिया जाएगा। ये गैलरी आने वाली पीढ़ियों को भी ये याद दिलाएगी कि लोकतंत्र की नींव में एक और संविधान है तो दूसरी ओर श्रमिकों का योगदान भी है। यही प्रेरणा हर एक देशवासी को एक कर्तव्य पथ भी देगा। यही प्रेरणा श्रम से सफलता का मार्ग प्रशस्त करेगी।